आप देख रहे हैं जिया फैशन बुटीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉप बनाना सिखाते हैं। ये 10-11 साल की बेबी के लिए है। इसमें से हम टॉप बनाएंगे। 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारा कढ़ाई हुआ हुआ कपड़ा है। इसको हम इसमें डिज़ाइनिंग के लिए लगाएंगे। इसकी जगह आप लेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये 8 इंच का हमने फ्रिल निकाला है और ये 30 इंच की चौड़ाई का है। आप कपड़े के हिसाब से फ्रिल की चौड़ाई ज़्यादा भी कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पर ये हम तैयार 28 इंच का टॉप बनाते हैं। 8 इंच का हमने नीचे से निकाल लिया है और 1 इंच का, 21 इंच का ऊपर से लंबाई निकाल लेते हैं इसकी। ये हमने डबल करके रखा हुआ है। इसी तरीके से एक बार और डबल कर लेते हैं। ये हमारी 4 तह हो गई हैं। 7 इंच का इस तरीके से हम लंबाई में निशान लगाते हैं। इस तरीके से चौड़ाई में हम यहाँ से इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं। लंबाई में भी 7 इंच का लगाया है और चौड़ाई में भी 7 इंच का लगाया है। फिर कमर का निशान भी हम 7 इंच पर लगाते हैं। इसकी चौड़ाई हमने 33 इंच और 30 इंच रखनी है। यहाँ से इस तरीके से फिर हम इसमें फिटिंग का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हम 2.5 इंच का इस तरीके से गले पे निशान लगा देते हैं और नीचे की तरफ से भी 2.5 इंच का चकोर निशान लगा देते हैं। इस तरीके से देखिए, अब इसमें इस तरीके से गोलाई कर देते हैं। फ्रेंड्स, आगे का गला हम 5 इंच रखते हैं और पीछे का गला 2.5 इंच रखते हैं। यहाँ से थोड़ी सी हम ढालदार फिटिंग का निशान लगा देते हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, ये हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से 0.5 इंच हम गोलाई का निशान लगा देते हैं जिससे हमारे कोने ना लटके। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये अपना टॉप कटिंग कर लिया है। ये हमारी फ्रिल है 8 इंच की लंबाई की। अब ये आस्तीन है हमारी। आस्तीन की लंबाई हमने यहाँ पर 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 8 इंच ली है, यानी मोड़कर 16 इंच। 2.5 इंच यहाँ से निशान लगा देते हैं हम ऊपर की तरफ आस्तीन का और नीचे से 5 इंच चौड़ाई रख लेते हैं। आप आस्तीन को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं टॉप के हिसाब से, अपनी बेबी के हिसाब से। देखिए, ये हमने स्लीव्स काट ली है। ये स्लीव्स में लगने के लिए हमने फ्रिल काट लिए हैं। ये 4 इंच की लंबाई का है और चौड़ाई आप अपने कपड़े के हिसाब से रख सकती हैं। देखिए, ये हमारा टॉप कटिंग हो गया है। ये फ्रिल है, ये स्लीव्स है और ये 1.5 इंच की चौड़ाई की हमने पाइपिंग काट ली है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये आगे का गला और बढ़ा कर लेते हैं। 3 इंच और बढ़ा लेते हैं। 5, 5.5 इंच का आप गला रख सकती हैं। आप इस टॉप को छोटा या और बड़ा भी बना सकती हैं अपनी बेबी के हिसाब से। देखिए, अब हम इस तरीके से तीरे का निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने पाइपिंग के जोड़ जोड़ लिए हैं। इसको पाइपिंग को हम उल्टी तरफ की रखते हैं। इस पर एक पैर की सिलाई लगा देते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का सा खींचते हुए। इस तरीके से हम चारों तरफ इसी तरीके से करते हुए पाइपिंग लगा लेते हैं अपनी, और इसको सीधी तरफ को एक पैर से थोड़ी सी ज़्यादा रख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से करते हुए हम पूरी पाइपिंग पर ऊपर की तरफ को मोड़ते हुए सिलाई लगा देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए, ये हमने गले की सिलाई लगा ली है, पाइपिंग तैयार कर ली है। अब ये हमारा नीचे का फ्रिल है। इसको सबसे पहले हम कन्नी मोड़ लेते हैं दोनों आगे पीछे के फ्रिल की। देखिए, हमने कन्नी मोड़ ली है। दूसरे फ्रिल की भी हम इसी तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेते हैं।
इस फ्रिल में हम इस तरीके से हल्की हल्की सी करते हुए प्लेट्स डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर फ्रिल का कपड़ा आपके पास ज़्यादा है तो आप प्लेट ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अब इसकी फिटिंग में सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी प्लेट्स आप अलग अलग भी डाल सकती हैं, फ्रिल लगा कर अलग अलग पीस में भी फ्रिल लगा सकती हैं। हम यहाँ पर फिटिंग करने के बाद सिलाई नीचे की फ्रिल लगाएंगे। देखिए, हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब दोनों फ्रिल, नीचे की दोनों फ्रिल पर हम जोड़कर सिलाई लगा लेते हैं। इस फ्रिल को हम गोल कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए, अब ये हम फ्रिल को नीचे रखते हुए और टॉप को ऊपर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। चारों तरफ इसको गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। देखिए, इस तरीके से हमने पूरी फ्रिल लगा ली है अपने टॉप पर। अब हम इस पर कन्नी की एक सिलाई लगा लेते हैं। ये कन्नी की सिलाई हमने लगा ली है। अब हमारी ये कढ़ाई वाला कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से टॉप के ऊपर रखते हुए फ्रिल के ऊपर की तरफ, ऊपर के हिस्से पर रखते हुए इस तरीके से, ये हमें फ्रिल पर नहीं लगानी है, टॉप के ऊपर के हिस्से पर लगानी है। इस तरीके से गोलाई में हम चारों तरफ अपनी ये कढ़ाई की पट्टी लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत हल्के से डिज़ाइन का टॉप है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। आप इस पर लेस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। देखिए, ये हमने इस तरीके से इस पर पट्टी लगा दी है और प्लेट्स डालकर इसको तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आस्तीन की प्लेट्स डालकर हम तैयार कर लेते हैं फ्रिल को। इस पर भी हम इस तरीके से पट्टी लगा लेते हैं। ये हमने दोनों तरफ इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फिटिंग लगा लेते हैं आस्तीन में अपनी। इस तरीके से फिटिंग लगा लेते हैं। दोनों आस्तीन हम अपनी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। इनको सीधा कर लेते हैं और आगे की तरफ से इस तरीके से टॉप में हम 1 इंच की गहराई आगे की तरफ से कर देते हैं। फ्रेंड्स, इससे हमारे टॉप की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। टॉप की लंबाई और चौड़ाई आप अपने बेबी के हिसाब से रख सकती हैं। देखिए, इसमें अंदर की तरफ को आस्तीन को रखते हुए हम इस तरीके से गोलाई में आस्तीन लगा लेते हैं। इस तरीके से हम दोनों आस्तीनें लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टॉप तैयार हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। फ्रेंड्स, इसके साथ हमने ये प्लाजो बनाया है, इसकी वीडियो भी हमने डाल दी है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा टॉप और प्लाजो कितना प्यारा लग रहा है। ये 10-11 साल की बेबी के लिए बना है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।